इत्तेहाद नूर में आप सभी का खैर मकदम है। आज बहुत ही अहम मौजू पर बात करते हैं क्योंकि पूरे मुल्क में राम मंदिर को लेकर तमाम हिंदुत्ववादी और खासकर भाजपा तहरीक चला रही है और खास बात यह भी है कि अब एक नैरेटिव चलाया जा रहा है हिंदुत्व ही राष्ट्रीयत्व कहा जा रहा है। खैर इस पर किसी को दो राय नहीं है कि भारत एक जमहूरी मुल्क है और मुल्क का संविधान ही सर्वतोपरि है, सर्वधर्म समभाव इस मुल्क की रूह है। खैर राम मंदिर को लेकर किस तरह इसका राजनीतिकरण हो रहा है इसे भी समझने की जरूरत है। अब आवाम को सोचना है कि राजनीति और मजहब इनके धर्म दो अलग पहलू हैं पर चुनाव के नजदीक जिस तरह अभी मुकम्मल न हुए राम मंदिर के इफ्तिताह महज 2024 के चुनाव को ही मद्देनजर रखते हुए किया जा रहा है। राम मंदिर अक्सरियत हिंदुओं के जज्बात का मौजू है, अगर गलत न कहा जाए तो इसे इस तरह बनाया गया है। अब गली मोहल्ले में प्राण कलश की रैलियां निकाली जा रही है। बारह कई साधु संतों ने इस पर एतराज भी किया है। जो सबसे बड़े चार शंकराचार्य हैं उन्होंने भी राम मंदिर के इफ्तिताह में शरीक होने से इनकार किया है। खैर आज का मौजू इसलिए अहम कह रहा हूं क्योंकि आज आरएसएस, बजरंग दल, वीएचपी जितने भी हिंदुत्व तंजीमें हैं जिन्होंने राम मंदिर को हिंदुओं की आस्था से जोड़कर किस तरह माहौल बनाया है और मुल्क में मजहबी तशद्दुद या मजहबी ध्रुवीकरण कह सकते हैं उसे शुरू किया हुआ। पहले इनकी सच्चाई समझ लेते हैं, क्या राम मंदिर को लेकर कभी इन्होंने इससे पहले किसी तरह की छेड़ी है? क्या वाकई इनकी आस्था, इनके जज्बात इस कदर संजीदा थे जो इन्होंने कभी राम मंदिर पर एहतजाज आंदोलन किए हैं? क्योंकि राम मंदिर पर जो सियासत की जा रही है इससे पहले आवाम को समझना होगा, जबकि राम मंदिर को लेकर मुकदमा चल रहा था। थोड़ा तारीख के औरात पलट कर देखते हैं, आजादी के पहले से ही इस बात को समझना होगा क्योंकि भारत में पहले से ही अक्सर हिंदू रहा करते थे पर कभी इस तरह का माहौल देखने को नहीं मिला। मिलजुल कर जंग आजादी लड़ी तभी तो आजादी मिली। खैर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस का कायम 27 दिसंबर सन 1925 में विजयदशमी के दिन डॉक्टर केशव हेडगेवार के जरिए की गई थी। हिंदू हिंदुत्व हिंदू राष्ट्र का नारा लगाएगा। आपको ताज्जुब होगा कि फिलहाल आरएसएस दुनिया की सबसे बड़ी तंजीम के तौर पर है और करीब 80 से ज्यादा मुल्कों में आरएसएस की शाखाएं हैं। अगर सिर्फ आरएसएस पर ही बोलना हो तो इसकी एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी क्योंकि इनका काम करने का तरीका, इनके कायद को किस तरह चुना जाता है वगैरह। फिर जो शाखाएं लगाई जाती हैं, प्रभात शाखा, सायं शाखा यानी कि शाम को, रात को यानी कि रात्रि, मिलन, संघ मंडली वगैरह, ये तमाम तफसीलात एक बार फिर से दिए जाएंगे। लिहाजा सवाल ये उठता है कि आखिर राम मंदिर इन्हें कब याद आया जबकि हिंदुओं की आस्था की बात कही जा रही है। अब तो वजीर आजम मोदी राम मंदिर में 22 जनवरी को होने वाले प्रतिष्ठा इजलास से पहले 11 दिनों का खुसूसी यानी विशेष अनुष्ठान करने का ऐलान किया है। तो 1925 में आरएसएस बनी। इसके बाद कई बड़े बड़े इजलास, अवामी इजलास को इन्होंने खिताब किया जिसमें कहीं पर भी राम मंदिर का जिक्र आपको नहीं मिलेगा। 22 और 23 दिसंबर 1949 की रात जब बाबरी मस्जिद में ईशा की नमाज अदा की गई, हालांकि उस वक्त पुलिस भी लगाई गई थी, वहां के डीसी के नैयर थे, कुछ 15-20 लोगों ने रात में छिपकर रामलला की मूर्तियां मिंबर पर रख दिया और अचानक रामलला प्रकट हुए कहते हुए हंगामा खड़ा कर दिया। उस वक्त वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू थे, लिहाजा के नैयर जो 1930 बैच के ICS अफसर थे, वजीर आजम नेहरू के हुक्म को भी नजरअंदाज किया गया। यूपी के वजीर आला उस वक्त गोविंद वल्लभ पंत थे और वहां से मूर्ति हटाने से इनकार कर दिया। ताज्जुब तो यह है कि इस वक्त भी कहीं पर आपको आरएसएस नजर नहीं आई। खैर अभी भाजपा नहीं बनी थी, 1951 में जनसंघ बनाएगा क्योंकि आरएसएस की मकबूलियत बढ़ती जा रही थी जिसके बानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। मुल्क का बंटवारा हुआ और मुल्क में खाना जंगी जैसे हालात पेश आए। जयप्रकाश नारायण की तहरीक काफी मशहूर रही, उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ मुहिम चलाई जो अवामी तहरीक के तौर पर जाना जाता है। इस तरह से बढ़ती अवामी तहरीक को देखकर 1975 में इमरजेंसी लगाई गई जो 22 महीने तक चली। इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इन तमाम सरगर्मियों में राम मंदिर आपको कहीं पर भी नजर नहीं आएगा। राम मंदिर की तहरीक भी कहीं भी इन हिंदुत्व जो अपने आप को आज जो हिंदुत्व के आलमबरदार बने हुए कहीं पर भी इनका नाम नहीं आता, जबकि राम मंदिर बाबरी मस्जिद मुकदमा चल रहा था। यकीनन 1934 में मस्जिद मंदिर को लेकर भी यहां मजहबी तशद्दुद हुआ था पर कहीं पर आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल का दखल उस वक्त देखा नहीं गया क्योंकि सियासी तौर पर कांग्रेस की पकड़ पूरे भारत में बहुत मजबूत थी। 1951 में जनसंघ बना और तकरीबन 1977 तक कहीं भी आपको इनके बयानात में भी राम मंदिर का जिक्र नहीं मिलता और ना ही किसी तरीके का एहतजाज बयानात मिलेंगे। 1964-65 में वीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद बनी तो इन्होंने भी कभी राम मंदिर पर बात नहीं किया और ना ही अयोध्या जाकर किसी तरह का आंदोलन किया। लिहाजा
अब भाजपा पर आते हैं। भाजपा 1980 में बनी। आरएसएस को चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दी गई थी, तो आरएसएस का सियासी चेहरे के तौर पर भाजपा बनाई गई। 1984 में भाजपा ने चुनाव लड़ा, भाजपा को महज 2 सीटें ही मिली, और उस वक्त भी एजेंडे में राम मंदिर नहीं था, यह बहुत अहम। चुनाव में तो इन्होंने गांधीवाद समाजवाद का एजेंडा चलाया गया था, अगर आप गूगल भी कर देखते हैं तो इनके पास किसी तरह का कोई मुद्दा नहीं था जिससे कांग्रेस को भाजपा शिकस्त दे सके। 1984 में इंदिरा गांधी का कत्ल हुआ तो इसका फायदा यानी कि सिंपति कांग्रेस को मिली, भाजपा को 2 सीटें मिली जिसमें हनामकोंडा आंध्र प्रदेश से भाजपा के चंदू पाटिया ने नरसिम्हा राव, वो जो वजीर आजम रहे जिस वक्त राम मंदिर को गिराया गया, नरसिम्हा राव को हराया था। लिहाजा 1986-87 में राम मंदिर जज्बाती मौजू है और इसी के सहारे जीत दर्ज कर सकते हैं का मशवरा हुआ। मशवरा पालनपुर शिमला, इसी दौरान इन्होंने राम मंदिर का मुद्दा निकाला। शिमला और पालनपुर इजलास में पहली मरतबा राम मंदिर मुद्दे को हिंदुओं की आस्था से जोड़कर अवामी तहरीक बनाने का प्लान बनाया गया। इसके बाद सभी जानते हैं कि आडवाणी की रथ यात्रा है, फिर कई जगह पर फसादात हुए, यूपी में मुलायम सिंह की हुकूमत में कार सेवकों पर हमले वगैरह। 1992 में बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया और यहीं से भाजपा सियासी तौर पर उभरती गई। एक कुछ राम मंदिर पर तारीखी हकाई जो आपको बताना जरूरी थे, क्योंकि राम मंदिर को लेकर भाजपा जनसंघ आरएसएस वीएचपी को पहले क्यों राम मंदिर याद नहीं आया, या फिर राम मंदिर बाबरी मस्जिद मुकदमा तो चल ही रहा था अपने आप को हिंदुत्ववादी, और मैं राम मंदिर के नाम पर मुल्क की एकता अखंडता को खतरे में डालने वालों को एक बार तो सोचना होगा कि क्या वाकई आधे अधूरे राम मंदिर की इफ्तिताह कहीं सियासी मुफाद के लिए तो नहीं है। और जैसे साधु संतों ने भाजपा और मोदी पर सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या मुल्क के आवाम को एक बार सोचना नहीं होगा? कल की खबर को ही देख सकते हैं जो तमाम टीवी चैनल अखबारों की सुर्खियां बटोरी थी कि दहशतगर्द राम मंदिर पर हमला करने वाले, जबकि सत्यपाल मलिक जो गवर्नर थे कश्मीर के, उन्होंने खुद इससे पहले कहा है कि भाजपा ही हमला करवा सकती है और मुल्क में फसादात का दौर दोहराया जा सकता है। लिहाजा इस मुल्क की हिफाजत, एकता अखंडता भाईचारे को बरकरार रखने के लिए नफरत की बजाय मोहब्बत को आम करने की कोशिश करें, क्योंकि मंदिर के नाम पर सियासत की जा रही है इतना जरूर है। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।